Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ईवीएम को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान के बाद भारत में इस पर घमासान मच गया है। मस्क ने ईवीएम के हैक होने की बात कही थी, जिस पर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं के भी बयान सामने आए। राहुल ने महाराष्ट्र के शिवसेना नेता रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडलकर के खिलाफ महाराष्ट्र के गोरेगांव में मतगणना केंद्र के अंदर कथित तौर पर मोबाइल फोन ले जाने के आरोप में FIR दर्ज होने पर भी निशाना साधा था। विपक्ष के आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई OTP का उपयोग नहीं होता है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम कभी हैक नहीं होता है और ना ही किसी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। बता दें कि शिवसेना नेता पर वनराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के साथ एनकोर ऑपरेटर रहे मतदान कर्मी दिनेश गौरव के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। मुंबई के वनराई पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 41A के तहत मंगेश पंडलकर और दिनेश गौरव को नोटिस भेजा है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर को लोकसभा चुनाव में दोबारा गिनती के बाद मात्र 48 वोटों से जीत मिली थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास वो मोबाइल फोन था जो मतगणना के दौरान OTP जनरेट करता है। ये फोन वायकर के रिश्तेदार पांडलकर इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को इसी को लेकर शक है कि फोन को शाम 4 बजे के बाद तक इस्तेमाल किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं में कड़ा मुकाबला चल रहा था। पुलिस ने बताया कि डेटा रिकवर करने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है और फोन पर मौजूद फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। मामले में और भी आरोपी शामिल हैं या नहीं, या ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है।